हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए यहाँ पर लेके आए हैं करंट अफेयर 2019 एशियाई खेल महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एसएससी सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी, चकबंदी अधिकारी, लोअर पीसीएस, एफसीआई के एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी तक आप हमसे अगर नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन आपको ऐसे दिख रही होगी, इसको दबा करके आप हमसे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। और बगल में बेल आइकन को प्रेस करने से सारे लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जो 18वां एशियाई खेल हुए आपके, वो 18वें एशियाई खेल आपके 2018 में हुए थे, और इससे पहले जो 17वें एशियाई खेल हुए वो आपके 2014 में हुए थे। तो दोस्तों 18वां एशियाई खेल आपका 2018 में हुआ, और आयोजन की जो तिथि है वो 18 अगस्त से ये प्रारंभ हुए थे और 2 सितंबर 2018 तक चले। स्थान क्या था दोस्तों? ये इंडोनेशिया के जकार्ता स्थान पर हुए थे और पालेमबांग में भी खेले गए थे, ठीक है। मुख्य स्टेडियम जो इसमें था वो मुख्य स्टेडियम जहां पर ये एशियाई खेल खेले जा रहे थे, मुख्य स्टेडियम जो था वो था गैलोरा बुंग, दिया गया है गैलोरा बुंग कार्नो स्टेडियम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आधिकारिक जो उद्घाटनकर्ता थे, आधिकारिक उद्घाटनकर्ता वो यहां पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका और क्लियर होता है कि जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। अब यहाँ पर बात करेंगे शुभंकर क्या रखा गया था। दोस्तों शुभंकर रखा गया था भिन्न भिन्न आतुंग हिरण और काका। तो दोस्तों भिन्न भिन्न आतुंग हिरण और काका, तो भिन्न भिन्न मतलब पक्षी और यहाँ पर काका मतलब गैंडा, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर दिया गया है मशाल जलाने वाला। तो दोस्तों मशाल जलाने वाला कौन था? वो सुशी सुशांत, ठीक है। आगे यहाँ पर आते हैं ध्येय वाक्य क्या था। ध्येय वाक्य जो कि एशिया की ऊर्जा से रिलेटेड था, यानी एनर्जी ऑफ एशिया। ध्येय वाक्य आपका जो यहाँ पर हो गया एशिया की ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर खेलों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर खेलों की संख्या थी 40, और यहाँ पर स्पर्धाएँ जो खेल थे वो 465 होने थे, ठीक है। यानी खेलों की संख्या यानी स्पर्धाएँ जो होनी थी 465 होनी थी, ठीक है। शामिल देश कितने थे? दोस्तों 45 देश शामिल हुए थे इसमें, और जो टोटल खिलाड़ी शामिल हुए थे वो है 11,300। नेक्स्ट आते हैं भाग लेने वाले कुल भारतीय एथलेटिक। दोस्तों यहाँ पर जो एशियाई खेल 18वां एशियाई खेल है, इसमें जो भारतीय एथलीट हैं वो 572 शामिल हुए थे, और यहाँ पर खेलों की जो भागीदारी है वो भागीदारी कितने खेलों में हुआ? 36 खेलों में 572 जो प्लेयर है, जो एथलीट है, इन्होंने भाग लिया 36 खेलों में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे भारतीय टीम का जो नेतृत्व है वो किसने किया? तो सैफ डी मिशन ब्रजभूषण ने किया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक, ठीक है, मतलब भाला फेंकने से ये रिलेटेड है। आगे यहाँ पर आते हैं समापन समारोह में भारतीय ध्वज किसने फहराया? दोस्तों यहाँ पर रानी रामपाल, जो कि हॉकी की प्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पहली बार शामिल खेल। दोस्तों पहली बार जो शामिल खेल था वो था, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार ये खेल शामिल हुआ जो कि है ई स्पोर्ट कैनो पोलो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर भारत में सर्वाधिक पदक जो है वो किस खेल में जीते गए? तो सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में जीते गए, एथलेटिक्स, जो कि कितने पद मिले भारत को? 19 पद मिले। अब नीचे पदक तालिका है जिसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? दोस्तों प्रथम स्थान पर चीन रहा। चीन ने स्वर्ण पदक 132, रजत पदक 92, कांस्य पदक 65 और कुल पदक 289 जीते। दूसरा स्थान था जापान का, जापान ने 75 स्वर्ण पदक जीते, रजत पदक कितने थे? 56 थे। और बात करेंगे इस कांस्य पदक के, तो यहाँ पर जो कि रजत पद की तुलना में कांस्य पदक 74 थे, यानी इससे ज़्यादा थे, 205 टोटल रहे जापान के जो कुल पदक हैं। तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक 49, रजत पदक 58, कांस्य पदक 70 और कुल पदक 177 जीते। चौथा जो था वो इंडोनेशिया था चौथे स्थान पर, जिसने 31 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक, कांस्य पदक 43 और कुल पदक 98 जीते। आठवें स्थान पर भारत था, भारत ने 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत, 30 कांस्य,
और 69 कुल पदक जीते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि प्रथम स्वर्ण पदक जो आपके एशियाई खेल हो रहे थे 2018 के, प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सन पीवान, जो कि बुश से है, सन पीवान, ठीक है, सन पीवान है, ध्यान रखिएगा, पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। नेक्स्ट यहाँ पर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक कौन लेके आया? दोस्तों कुश्ती से 65 वेटेड पे, यानी 65 वेट पे, बजरंग पूनिया। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? विनेश फोगाट है, जो कि 50 किलोग्राम यानी 50 kg, विनेश फोगाट। नेक्स्ट है बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय जो कि है 45 केजी यानी 45 केजी वेट से अमित पंगल। तो अमित पंगल है आज पंगल। नेक्स्ट आते हैं भारत का पहला शूटिंग का स्वर्ण पदक विजेता कौन है? सौरभ चौधरी, पहला शूटिंग का। देखिए शूटिंग के लिए जरूर ध्यान रखिए, भारत का पहला शूटिंग का स्वर्ण पदक किसने जीता? सौरभ चौधरी ने। नेक्स्ट आते हैं स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन थी? राही सरनोबत, जो कि 25 मीटर की शूटिंग हुई थी। नेक्स्ट आते हैं पहला टेनिस डबल स्वर्ण पदक किसने जीता? रोहन बोपन्ना और द्विज शरण ने। रोहन बोपन्ना है और द्विज शरण ने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारत ने किस देश को हॉकी में पराजित किया? तो हांगकांग को किया था 26-0 से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट फुट यानी गोला फेंक की बात हो रही है, में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कौन थे? जो कि थे तेजिंदर पाल सिंह, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पुरुष डबल ट्रैप में रजत पदक किसने जीता? यहाँ पर है शार्दुल विहान है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हिमा दास ने कितने मीटर दौड़ में रजत पद जीता? तो 400 मीटर की दौड़ पर रजत पद जीता। नेक्स्ट आते हैं हैप्टाथोन स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कौन थे? स्वपना बर्मन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे भारतीय दल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो कि रीता चौकसी हैं, 79 वर्ष की एज की, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी यहाँ पर देखिए कौन रहे, वो रहे इकी रिकाको, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी इकी रिकाको, जापानी है, ये जापानी तैराक हैं और इन्होंने 6 स्वर्ण पदक जीते। 19वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? 19वां एशियाई खेल आपका होगा होंगजू में, जो कि चीन में होगा। 20वां एशियाई खेल आपका कहाँ होगा? 2026 में होगा, जापान के नगोया में। 2026 है दोस्तों, यहाँ पे ये 26 है, यहाँ पर 2026 में नोगाया जापान में होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको 100% एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।